गुड मॉर्निंग किलन, गुड मॉर्निंग किलन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आदित्य विमल, हू आर यू, व्हाट योर नेम? आदित्य विमल, गुड मॉर्निंग। आदित्य विमल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबोध कुमार, अंजलि कुमारी, ओके। आई होप यू आर फाइन चिल्ड्रेन। रिमझिम, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्ञान अख्तर, गुड मॉर्निंग। राइट योर नेम चिल्ड्रेन, अपना अपना नाम लिखिए। वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास चिल्ड्रेन, वंस अगेन आई विल मीट यू। फिर से हम लोग एक बार ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। ज्ञान, इजहाल, परवीन, फरहान अख्तर, आई एम फाइन चिल्ड्रेन। फरहान, आई एम फाइन, हाउ आर यू? चिल्ड्रेन, दिस इज योर चैप्टर, चैप्टर 11, द हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस चैप्टर इज गोइंग ऑन चिल्ड्रेन। कौन सा चैप्टर चल रहा है? द हॉर्नबिल फेस्टिवल। इट इज द फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। कहाँ का ये फेस्टिवल है? नागालैंड का है। नागालैंड इज ए स्टेट। ये नागालैंड का फेस्टिवल है। और आई हैव एक्सप्लेन चिल्ड्रेन दिस चैप्टर, बट टुडे आई विल अगेन एक्सप्लेन। इसको हमने अपने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, बट आज फिर जो है सो सेकेंड शिफ्ट के बच्चे भी जुड़ रहे हैं इससे ऑनलाइन क्लास में, तो इसको हम फिर से जो है सो आज हम रिपीट कर रहे हैं। सो चिल्ड्रेन, लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 को आप लोग ओपन कीजिए। पार्थ एंड हिज फ्रेंड अभिनव बियर इन नागालैंड विजिटिंग पार्थ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मीन्स चिल्ड्रेन, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार, रिलेटिव्स। रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार। तो पार्थ और उसके दोस्त का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्थ फ्रेंड? अभिनव। पार्थ और अभिनव जो है कहाँ है? नागालैंड में है। कहाँ गए हैं? पार्थ के रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, रिश्तेदार के यहाँ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अभिनव हैड कम हिज पार्ट टू द कंट्री। ये पहली टाइम है जब अभिनव देश के, कंट्री मीन्स देश के इस भाग में आया था। When the boy reached, जब वो लोग वहाँ पहुँचे, reached means पहुँचना, they saw a lot of activity, उन्होंने क्या देखा? बहुत सारे activity को देखा, क्रियाकलापों को देखा। activity means क्रियाकलाप। They left that something big was about to happen, उन्होंने क्या सोचा? कि हाँ कुछ बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। अभिनव बींग ए क्यूरियस बॉय, क्यूरियस मीन जिज्ञासु, क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस। हाँ कर लिए, वो तो कर लिए, लेकिन फोर तो इसलिए मान लिए हमारा चैप्टर से भी।
ठीक है क्या है क्यूरियस मीन्स क्या होता है जिज्ञासु 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 क्या होता है जिसको बहुत अंदर में इच्छा होती है कुछ कुछ पूछने का कुछ कुछ जानने का है ना समझ रहे हैं आप लोग तो एकदम कैसा लगता था क्यूरियस बॉय था उसको हमेशा उसके पास क्वेश्चन हमेशा भरा रहता था उसके अंदर किसी से भी क्वेश्चन पूछते रहता था कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ है ना Why are all the people so excited? तो वो जो है सो अभिनव क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ सभी बच्चे जो हैं यहाँ ये सभी पीपल जो हैं वो एक्साइटेड क्यों हैं है ना उत्तेजित क्यों हैं आंटी से पूछता है आंटी यहाँ जो है जितने भी आदमी हैं वो क्यों एक्साइटेड लग रहे हैं अभिनव अभिनव ने पूछा आंट सोफिया से एवरीवन इज गेटिंग रेडी फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आंट सोफिया ने क्या आंट का क्या नाम है सोफिया मिस सोफी मिसेस सोफिया तो गुड मॉर्निंग ज्योति कुमारी राजशेखर वेरी गुड मॉर्निंग अंकिता यस गुड मॉर्निंग बेटे तो जो है सो क्या है आंट सोफिया ने क्या बतलाया कि यहाँ जितने नागरिक हैं वो जो है सो हॉर्नबिल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं व्हाट इज हॉर्नबिल तो क्वेश्चन कौन पूछता है ही आज फिर अभी तक पूछता है कि व्हाट इज हॉर्नबिल हॉर्नबिल क्या है ना तो आंट बोलती है इट इज़ द बिगेस्ट कल्चरल इवेंट मतलब सांस्कृतिक आयोजन है बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है ऑफ नागालैंड नागालैंड का है ना ऑल द डिफरेंट नागा ट्राइब्स पार्टिसिपेट इन इट एंड शोकेस देयर कल्चरल यहाँ सभी नागाज आते हैं और इसमें भाग लेते हैं हिस्सा लेते हैं और अपना जो है सो कल्चरल कार्यक्रम अपना जो है प्रोग्राम शो करते हैं पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो केम टू टेक पार्ट इन वेरियस इवेंट फिर पूछ रहा है बेटा कि यहाँ क्या विभिन्न भागों से पीपल आते हैं और वो अपना अपना वेरियस विभिन्न प्रकार के जो है सो इवेंट्स दिखलाते हैं कैन वी टेक पार्ट इन सम ऑफ द इवेंट्स आंटी बोला क्या मैं भी ले सकता हूँ इसमें पार्ट पार्थ आस्क पार्थ क्या कहता है आंट से पूछता है क्या मैं भी इसमें भाग ले सकता हूँ यस ऑफ कोर्स तो आंट बोलती हाँ बेशक ऑफ कोर्स मीन्स बेशक यू कैन तुम भी ले सकते हो देयर इज ए स्पेशल किड्स कार्निवल्स ये बच्चों के लिए स्पेशल कार्निवल्स है दे हैव कम्पटिशन्स फॉर कुकिंग इसमें क्या क्या होता है इस कम्पटिशन में कुकिंग होता है पेंटिंग होता है डांसिंग होता है सिंगिंग होता है राइटिंग होता है पोएट्री फोटो पोएट्री लिखा जाता है पोएट्री समझते हैं कविता फोटोग्राफी होता है साइकिलिंग होता है एंड अदर थिंग्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम होते हैं जिनको जो आता है वो अपना शो करते हैं जितेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग सोनी कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग व्हाट वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन पार्ट तो आंट पूछती तुम किस चीज़ में भाग लेना चाहते हो पार्ट है ना वेल आई लाइक सिंगिंग एंड राइटिंग पोएट्री पार्ट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है चिलेन गिव मी रिप्लाई चिलेन बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है पार्ट को किस चीज़ में इंटरेस्ट है सिंगिंग एंड राइटिंग पोएट्री ओके रिप्लाइड पार्ट ने रिप्लाइड किया कि मैं सिंगिंग और
राइटिंग पोएट्री में इंटरेस्ट रखता हूँ। आर देयर प्राइजेस टू एंट्री? और क्या पूछ रहा है, क्या इसमें प्राइज भी दिया जाता है? कीर्ति कुमारी गुड मॉर्निंग। बेटे आप अभी गुड मॉर्निंग कर रहे हो, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, वाई? कल से आप लोग 9:10 में आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ओके? 9:15 से क्लास चलेगा, 9:10 में आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, प्रिपेयर्ड होके आप लोग बैठ जाएंगे मोबाइल लेके, मोबाइल को ऑपरेट, ओके चिल्ड्रेन? रिम जिम सिंगिंग एंड राइटिंग पोएट्री, ओके, पार्ट को इंटरेस्ट था, वेरी गुड। तो उन लोगों ने क्या पूछा, पूछा क्या इसका प्राइस भी दिया जाता है आंटी? आस्क अभिनव ने पूछा। सर्टेनली, निश्चित, देयर आर मेनी प्राइजेस, बहुत सारे प्राइज इसमें होते हैं। आयान सिक्यूल, पलक, तो इसमें क्या कहा गया, बहुत सारे प्राइज होते हैं। आंट सोफिया से, सोफिया ने कहा, सिंस द फेस्टिवल इज फ्रॉम 1 to 10 December, ये फेस्टिवल कितने दिनों के लिए चलता है, 10 days के लिए, वैन कब से कब तक चलता है चिल्ड्रन? 1 December to 10 December, ये 10 दिनों का प्रोग्राम होता है और ये 1 December से लेके 10 दिसंबर तक हर साल मनाया जाता है। देयर आर मैनी मोर थिंग्स टू डू, इसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं करने को। यू कैन वॉच ट्राइबल डांस, द कस्टम्स आर वेरी अट्रैक्टिव विथ फेदर्स, बीड्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल ज्वेलरी। यू कैन ऑल्सो इंजॉय म्यूजिकल इवेंट्स और टेस्ट ट्रेडिशनल नागालैंड फूड ऑफ द फूड बाजार, इसमें डिफरेंट टाइप के फूड्स भी बनाए जाते हैं जिसको नागालैंड में जो जिसको टेस्ट करके देखा जाता है। म्यूजिकल भी रहते हैं, म्यूजिकल इंजॉय भी किया जाता है ना? ओ दैट वुड बी ग्रेट, अभिनव सेड। अभिनव ने क्या कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सेड ही वॉज फॉन्ड ऑफ टेस्टिंग न्यू काइंड्स ऑफ फूड, अभिनव जो है सो बहुत फॉन्ड मीन्स शौकीन, फॉन्ड मीन्स F-O-N-D, फॉन्ड शौकीन। अभिनव को डिफरेंट टाइप के टेस्ट फूड को टेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत शौकीन है अभिनव। डिड यू नो दैट नागालैंड हैज सम ऑफ द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड, क्या तुम जानते हो कि नागालैंड में जो है हॉटेस्ट चिली, गर्म मिर्च, सबसे गर्म मिर्च का भी प्रोग्राम होता है, एंड द किंग चिली ईटिंग कॉम्पिटिशन, उसका क्या नाम होता है, नागालैंड में एक बहुत तीखा चिली भी मिलता है, चिली मीन्स मिर्च, चिली मीन्स मिर्च, चिली। तो नागालैंड में बहुत तीखा हॉटेस्ट चिली पाया जाता है और इसका एक कॉम्पिटिशन होता है और उस कॉम्पिटिशन का नाम होता है किंग चिली कॉम्पिटिशन, किंग चिली ईटिंग कॉम्पिटिशन, किंग चिली ईटिंग कॉम्पिटिशन इज द मोस्ट पॉपुलर इवेंट ऑफ द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल का, इस त्यौहार का द मोस्ट पॉपुलर इवेंट है ये, है ना? आस्क आंट सोफिया, सोफिया ने बताया।
Children, give me some replies. Really? Imagine getting a prize for eating chilies, Abhinav grinded. अभिनव हंसते हुए कहा कि कल्पना कीजिए कि ईटिंग चिली कॉम्पिटिशन है. हंसकर कहा कि हाँ रियली एक मतलब सोचने लगा कि ये मिर्च खाना एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जो इट्स ट्रू एंड द विनर टेक्स होम ए गुड प्राइज टू. हाँ सही. और इसमें विनर्स जो है सो क्या करते हैं, अच्छा प्राइज लेके अपने घर जाते हैं. लास्ट ईयर्स विनर गॉट 15,000 rupees फॉर ईटिंग 6 chilies. पिछले साल जो है सो कितने मतलब विनर जो है सो 6 chilies खाए थे और 15,000 rupees अपने घर लेके गए थे. ओके. आई ऑल्सो ट्राइड ईटिंग 2 teeny weeny pieces. टीनी वीनी पीस चिल्ड्रन, छोटी सी पीस. मैं भी कोशिश करूँगा छोटा सा पीस खाने का. टीनी वीनी पीस, टीनी वीनी, टीनी वीनी पीस. छोटा सा टुकड़ा. छोटा सा टुकड़ा. बट इट वॉज सू हॉट दैट. लेकिन कहा बाप रे इस बार ये तो बहुत हॉट होगा. I had to eat 5 ice cream after that. मैं थोड़ा सा खाऊँ, छोटा सा खाऊँगा, उसके बाद क्या करूँगा, 5 ice cream खाऊँगा. Aunt Sophia laughed heartily. Aunt Sophia ने हंसते हुए कहा. Where these events held, आंटी? अभिनव आस्का. आंटी ने, अभिनव ने क्या पूछा, आंटी ये इवेंट कहाँ पर शुरू होगा. मानस मृदुल, बहुत लेट मानस आप ज्वाइन किए हैं. कल से इतना लेट जो ज्वाइन करेगा फिर उसकी पढ़ाई हम यहाँ से आपको कट कर देंगे. कल से आप लोग को 9-10 में ज्वाइन कर लेना है. ओके लिसन माय मेरी बात को सुन रहे हैं. कल से 9-10 में सारे बच्चों को ज्वाइन कर लेना है. ओके. एट द नागा तो पूछ रहे कि कहाँ पर ये शुरू किया जाएगा, हेल्ड होगा. एट द नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा. विलेज कहाँ है, किसामा, नागा हेरिटेज में. विच इज द फुट हिल्स ऑफ माउंट जफू. ये कहा है माउंट जफू का फुट हिल है. द नागा हेरिटेज विलेज इज एन एम्फी थिएटर बट इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ म्यूजियम. ये क्या है, एक प्रकार का म्यूजियम है. आई विल टेक यू देयर टुमारो सी सेड. आंट सोफिया कहती है मैं कल वहाँ तुमको ले जाऊँगा. ये विलेज का क्या नाम है, किसामा, किसामा. ओके नोट कर लीजिए. व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज वेयर इवेंट हेल्ड. इट इज वेरी बिग विलेज, यह बहुत बड़ा गांव है. ओके यस इट इज क्वाइट बिग, बहुत बड़ा है. द विलेज हैज 16 ह्यूज गेट्स. विलेज में कितने बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, 16 One gate for each tribes and the gates are beautifully decorated with traditional wood carvings. कहते हर गेट जो है सो ट्रेडिशनल रूप से डिकोरेट किया रहता है.
You will also see grand log drums which are beaten with a special wooden stick. तुम और क्या देखोगे वहाँ? ग्रैंड लॉग, बहुत बड़े लकड़ी का ड्रम्स है जिसे स्पेशल वुडन स्टिक से बजाया जाता है. ओनली द मेन फॉक बीट दिस ड्रम. इट इज बिलीव्ड दैट इन ओल्डन टाइम्स इन नागा सेंट सैक्रेट मैसेज. इसे सैक्रेट मैसेज दिया जाता है थ्रू ड्रम्स बीट, ड्रम्स बीट के द्वारा. That only the village members could understand, जो कि विलेज के मेम्बर ही उसको समझ सकते हैं. Every evening, प्रत्येक शाम, during the festival in किसामा, जब तक फेस्टिवल किसामा मनाया जाता है, the air is filled with the mesmerizing sound of these drum. Mesmerizing का क्या मीनिंग दिया हुआ है? कैप्चरिंग वन्स अटेंशन कम्प्लीटली, है ना, सबका अटेंशन कैप्चर करता है. साउंड ऑफ दीज ड्रम्स, ये ड्रम्स जो है सो सबके सबका अटेंशन जो है अपने ओर खींच लेता है. यू विल हियर इट एट दिस टाइम टुमोरो. तुम ये आवाज़ कब सुनोगे? कल सुनोगे, टुमोरो. सेड आंट सोफिया, आंट सोफिया ने कहा. इट साउंड लाइक ए लॉट ऑफ फन आंट, सेड पार्थ. पार्थ ने कहा कि ये बहुत फनी टाइप का साउंड होगा. इट इज, हाँ. नाउ बॉयज मेक श्योर यू वेक अप अर्ली टुमारो. कहता है बच्चे अब तुम लोगों को कल सवेरे जग जाना है. इफ वी डोंट लीव अर्ली, अगर तुम अर्ली नहीं घर छोड़ोगे, वी वोंट गेट सीट एट द इवेंट, तो तुम्हें वहाँ सीट नहीं मिलेगा. यू वॉन्ट टू गेट ए क्लोज लुक एट द कलरफुल कस्टम्स, डोंट यू? द बॉयज एग्रीड, बच्चे तैयार हो गए. That night they talked about the exciting things they would do and see at the festival. उस रात जो है सो बच्चे क्या किए, उत्तेजित होकर इसके बारे में बात करते रहे. They would do and see at the festival. वो जाएंगे और इस फेस्टिवल को देखेंगे. They could hardly wait for tomorrow. कल का जो है सो वो वेट करने लगे. ओके, दिस चैप्टर इज फिनिश चिल्ड्रन. दिस चैप्टर इज फिनिश. नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन. मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ इसके बारे में. ओके, चिल्ड्रन लर्न दिस वर्ड मीनिंग. इस वर्ड मीनिंग को आप लोग लर्न करके आएंगे. ओके, इट इज योर एस डब्ल्यू वर्ड. इट इज योर एस डब्ल्यू. लर्न दिस वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग इस वर्ड मीनिंग को आप लोग कल लर्न कर जाओगे. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, व्हाट इज हॉर्नबिल? व्हाट इज हॉर्नबिल? गिव मी रिप्लाई. चिल्ड्रन, व्हाट इज हॉर्नबिल?
Very good. Ruhda, hornbill is a festival. Very good. Hornbill is a bird. Yes, it is true. Hornbill एक bird भी होता है. Hornbill एक bird भी होता है, but यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है? Festival के बारे में पढ़ना है. Hornbill is a festival. Okay, my next question, children. Where is Hornbill celebrated? Children, give me reply. Where is Hornbill celebrated? Where is Hornbill celebrated? In Nagaland. Dhyan, right, in Nagaland. No, Nagaland is correct, but in Nagaland is correct. Nagaland mein. Okay. My next question is, who visited in Nagaland? Who visited in Nagaland? कौन नागालैंड विजिट करने गया था? Who visited in Nagaland? ये मेरी रिप्लाई पार्थ एंड अदर बॉयज. अदर दूसरा लड़का कौन है? अभिनव. वेरी गुड. पार्थ एंड आंट सोफिया. नो, आंट सोफिया तो वहाँ रह ही रही थी. पार्थ एंड अभिनव एंड हिज फ्रेंड अभिनव. वेरी गुड रुजदा. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, हु वाज ए क्यूरियस बॉय? हु वाज अ क्यूरियस बॉय? हु वाज अ क्यूरियस बॉय? अभिनव. वेरी गुड. अभिनव बाजा क्यूरियस बॉय. अभिनव बाजा क्यूरियस बॉय. अभिनव बाजा क्यूरियस बॉय. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, व्हाट वाज द नेम ऑफ आंटी? व्हाट वाज द नेम ऑफ आंटी? व्हाट वाज द नेम ऑफ आंटी? मिसेस सोफिया मानस. वेरी गुड. मिसेस सोफिया. व्हाट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, व्हाट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल? Very good. It is the biggest cultural program, culture of Nagaland. It is the biggest cultural events. It is the biggest cultural events of Nagaland. Okay. It is the biggest cultural Rajshekhar. It is the biggest cultural events of Nagaland. Very good. My next question, children. When is festival Hornbill celebrated? When is festival Hornbill celebrated? Give me reply. When is festival Hornbill celebrated? Rusda. It is celebrated from 1st to 10 दिसंबर तो नहीं है. फर्स्ट दिसंबर टू 10 दिसंबर. वेरी गुड. एवरी ईयर. वेरी गुड चिल्ड्रन. आप लोग इस क्वेश्चन को भी लर्न कर लेंगे. ओके. और क्या करेंगे? कल जो है, टुमारो आई विल एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ओके. सो चिल्ड्रन, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट. उसके लिए आप तैयार होकर आएंगे. लेसन को आप लोग अच्छे से फिर से रिपीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे.
Okay. Now, I will meet you again tomorrow.